एक्टिंग थी यार, आर्यन भाई सुपर एक्टिंग थी आपकी। सर ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह रखी हुई है आपको, पूरा का पूरा सेटअप मैं दिखा दूँ। यहाँ पे रिंग लाइट लगी हुई है, ग्रीन वॉल भी लगा हुआ है यहाँ पे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अपन आ चुके हैं आर्या स्टूडियो में, एंड आर्या स्टूडियो में चल रही है शूटिंग। एक एड प्रमोशन की शायद शूटिंग चल रही है, क्या चल रहा है आर्यन भाई से जानते हैं। आर्यन भाई गाइस, मैं थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे खेल रहा हूँ यार, कुछ 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 भी दबा दूँ मैं तो कुछ होगा तो नहीं। यहाँ पे ऐसा रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं, कुछ भी दबा देते हैं। इसमें वो नहीं है GTA 5 वगैरह आ रहे हैं भैया? नहीं, GTA 5 गेम का तो मेरे को खेलना था यार, मैंने डिलीट किया कल ही खेल करके। वाह, GTA 5 खेला आपने? पूरा खेला और डिलीट कर दिया। अरे यार, मुझे पता था कि हितेश आने वाला है, फिर वो आकर के यहाँ पे पूरा दिन बैठ कर गेम खेलेंगे, इसे डिलीट कर दो। और मुझे ये गेम में पसंद है बहुत ज़्यादा, खेलना चाहता हूँ। एक एक डायलॉग्स के एक्सप्रेशंस फर्स्ट, एक लाइन एक्सप्रेशंस, सेकंड लाइन एक्सप्रेशंस। ऐसा नहीं कि पूरा डायलॉग एक साथ याद करो और सिर्फ बस खत्म नहीं करना है, अच्छे से बिगिनिंग करनी है और सोचना भी तो खत्म करना है। गाइज, आर्यन भैया एंड कुपेश दोनों ऐसे डिस्कस कर रहे हैं स्क्रिप्ट को लेकर, तो क्या डिस्कशन चल रहा है? सो गाइज, कुपेश का एक्ट तो आपने देख लिया होगा, कमेंट करो जल्दी से। आर्यन भैया, आपको कैसी लगी कुपेश की एक्टिंग? मुझे इसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी, कि जैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं निकल निकल के, इसका सेलेक्ट होना तय है। मेरी शुभकामना है इसके साथ कि ये वहाँ पे सेलेक्ट हो जाए और इस गाँव का नाम करे। बिल्कुल। सो कुपेश, अगर आप सेलेक्ट हो गए ना, तो हम दोनों को पार्टी चाहिए फाउंटेन में। और क्या पार्टी लेनी है सर, बता दो मेरे को। पार्टी क्या, बस ये नहीं, नहीं पार्टी तो कंपलसरी है सर, पार्टी तो अपन को लेनी पड़ेगी। बस ये हम जैसे लोगों को याद रखे, ये भी बहुत हो गया। ये याद ही कहाँ रखता है गाइस, ये बिल्कुल भूल जाता है ऐसे, है ना कुपेश? तो बहुत ही भूलता है। नहीं नहीं, सुपरस्टार हो गया तो मतलब हम लोगों को भूल ही जाएगा, तू याद रखा कर भाई। अरे आर्यन भैया को सुन लिया आपने, एंड कौन सी प्रमोशन चल रही है सर? ये एड सुन गणगौर की। कुपेश, ऑल द बेस्ट फॉर योर, देखते हैं यार गाइस, देखते हैं कुपेश क्या कर रहा है अभी, एक्टिंग ही देख लेते हैं, अपन को तो आती नहीं है ना वैसे। कुपेश प्रोफेशनल एक्टर है मारवाड़ी। स्टार्ट। अरे मामू साहब, फट्टू साहब, मैं कई रेल बनाओ थे, मैं ले रहा हूँ आपने राजस्थानी पास आ रहा हूँ, एक दस हुए है जिन में रेल बना सो तो मजा आ जाए। गाइस फाइनली डन हो चुका है, कैसी लगी मेरी कॉमेडी कमेंट में बताओ। और यू गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे स्टूडियो में, आर्य स्टूडियोज में। आर्य स्टूडियोज में आज मेरे सामने एक्टर कुपेश मारवाड़ी, जो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर के मेरे पास आज कुछ वीडियो शूट करवाने के लिए आया है। तो मैं एज ए बिग ब्रदर उसको एक वीडियो शूट करके दे रहा हूँ, जिसके थ्रू वो अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट में बेस्ट दे सके। तो यहाँ पे इसी उसके प्रोजेक्ट को लेकर के जो शूट हम कर रहे हैं, आपकी शुभकामनाएं चाहिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए। हितेश है जो शूट कर रहा है, छोटा भाई, भाई ब्लॉग के साथ आप बने रहिए इस वीडियो। गाइस अभी निकल रही है, क्या निकल रही है? रील निकल रही है, मेमोरी कार्ड। एन आर एन भैया अभी यहाँ पे, कुपेश भैया की मेहनत है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल, देख लेते हैं सर कितना। कुपेश भैया आपकी मेहनत देखनी पड़ेगी फिलहाल। गाइस देख लो, फैन अपना ऑफ हो चुका है, इतनी देर फैन का ऐसा बैकग्राउंड भी आ रहा होगा ना, कोई ना, सॉरी गाइस मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया था, पर अभी लाइट तो चली गई है अपनी। एन आर एन भैया कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, लाइट चली गई, इसके लिए गर्मी बहुत लग रही है इस वजह से यार। बड़ी डिफिकल्टी होती है सर लाइट जाने के बाद। ऐसा क्या एडिट कर रहे हो आप? मैं कुपेश भैया की जो अभी अभी जो ऑडिशन की वीडियोस लिए हैं उसको एडिट कर रहा हूँ। कैमरे में देख के बोलो सर, मैं गाइस आपको देखना चाहते हैं सारे के साथ सब्सक्राइबर। मैं कुपेश भैया के अभी जो ऑडिशन के शूट लिए थे, जो टेक लिए थे, उनको कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट करके उसको एडिट करना है मुझे, और जो बेस्ट आए वो कुपेश की प्रोफाइल के द्वारा वहाँ पे गणगौर टीवी चैनल पे भेज दिए जाएंगे, और होप करता हूँ कि इसके वीडियो सिलेक्ट कर दिए जाए और ये वहाँ जा कर के अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। किधर 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 क्या है अभी वापिस रख दिया सर, ये लेके जा रहा था घर पे आज। बिल्कुल हमारे ही है, तो मैं लेके जा रहा हूँ इसको घर पे, और छुटक नहीं, दुख की बात नहीं है सर बिल्कुल भी। सर ये क्या है सर? ये केबल स्टेबलाइजर है।
ओ मेरे को लगा वो पुशअप वाला है ऐसे करके। भगवान करे रिजेक्ट ना करे, बस बस यही दिल में चल रहा है मेरा भी। गाइस तो कुपेश बोल रहा है भगवान करे रिजेक्ट ना करे, पर भगवान कर देंगे भाई, तू रिजेक्ट नहीं होगा, तू पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट तेरे को। थैंक यू, थैंक यू भी बोल रहा है कुपेश। गाइस गाइस पूरे 6 टैग लिए हैं, इसमें पहले टैग में कितना अलग है और लास्ट टैग में कितना अलग है, हकीकत में ये हकीकत में काफी ज्यादा अलग है वैसे। क्या पता चल रहा है तेरे को, बता दिखा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल दिखा सकते, मैंने दिखाया सर इसको। वाओ वाओ वाओ, क्या आप इसको समझा रहे हो गाइस? आर्यन भैया कैसे रिएक्शंस देखो जल्दी से। कोई अगर गंगोटी वाले को आर्यन सर का ऐसे कर देंगे ना सर, तो तेरा पत्ता कट हो जाएगा। हो जा सर, कर देते पता ये हो ये भेज सकते हैं वीडियो है ना, एज ए कोरियोग्राफर एज ए एक इंस्ट्रक्टर तो भेज देते सर, भांजा काफी बड़ा हो जाएगा वैसे। इसके एक्सप्रेशंस लो तो देखो, इस बात से इसको देखो कितना भाई दे दे कि दे दे भाई। नहीं नहीं देख रहा तो करेगा। गाइस आर्यन भैया का आपको पूरा का पूरा सेटअप मैं दिखा दूँ, यहाँ पे रिंग लाइट लगी हुई है, रिंग लाइट का प्राइस आर्यन भैया से अपन पूछ लेंगे। एंड ऐसे जूम नहीं हो रहा यार, क्या हो गया कैमरे को ना। एंड ये माइक सिस्टम भी लगा हुआ है यहाँ पे, एंड आर्यन भैया ने बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स वगैरह का सिस्टम कर रखा है, एंड ये फ़ोन एडिटिंग वगैरह सब कुछ ऐसे लैपटॉप से कर रहे हो आर्यन भैया आप? जी मैं डेस्कटॉप से सारी एडिटिंग वगैरह करता हूँ। मेरे को भी सिखाओ आ रहे हैं भाई, मेरे को भी सीखना है कैसे एडिट करना। ऑलवेज वेलकम, बिल्कुल जब भी आप आओ आई एम रेडी टू टीच मी। वाह यार गाइस, अरे भाई अपन को टीच कर देंगे गाइस, एंड अपन टीचिंग लेने के लिए आए हैं आपका बिना पेमेंट, विदाउट पेमेंट। मेरे पास पैसे ही नहीं है यार भाई, आप क्या ये ऑफर है? ओ वाओ बिल्कुल। एंड कुबेश रिलैक्स कर रहा है गाइस, यहाँ पे काफी रिलैक्स कर रहा है, हंस रहा है। कुबेश की गाइस स्माइल देखिए, आपने काफी ज्यादा हंसता है, आई मीन इसको कुछ कुछ कर लो। इसका वीडियो अच्छा बन गया, काफी ज्यादा अच्छा बन गया है, मेहनत करने का रिजल्ट है। हाँ भाई बिल्कुल, ये वीडियो देख सकते हैं मेरी अपकमिंग सीरीज द सोलमेट का एक पार्ट है छोटा सा, जिसमें ये डिस्क्लेमर है कि थीम क्या उस प्रोजेक्ट की, कि जो आगे के पास कुछ नहीं होता है, कोई सजेस्ट करने वाला नहीं होता है, कोई उसको समझाने वाला नहीं होता, तब वो खुद से ही डिस्कस करता है, उसकी सोल आकर के उसको सजेस्ट करती है कि वास्तव में उसे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। यू कैन पॉपुलैरिटी मिले या नहीं मिले, मैं हमेशा इस देश के युवाओं को अच्छा संदेश दूंगा और देता आया हूँ। संदेश किसी को एंटरटेन करे या नहीं करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस सुपर एक्टिंग थी यार, आर्यन भी सुपर एक्टिंग थी आपकी, तो देखा ना आप लोगों ने, मैं हूं ना एक्टर। हाँ बिल्कुल हो आप एक्टर, एक नंबर एक्टर हो। गाइस ये देखो आत्मा सो रही है यहाँ पे, ओए सोना नहीं है रे यहाँ पे। क्या गाइस ये एकदम नाराज हो गया कुछ बात पे, सॉरी यार भाई 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 रुक जा उठ जा, एक तू सोया नहीं है मेरे को बता, तू जस्ट एक्टिंग कर रहा है। गाइस ये सर जस्ट 2 मिनट्स पहले ऐसे खड़ा था बैठा था, एंड अभी सोने की एक्टिंग कर रहा है यार, पता नहीं क्या है, बहुत भारी बात। गाइस यहाँ पे देखो सारे के सारे ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह रखी हुई है, ये डिटेक्टिव रॉय की स्क्रिप्ट थी जो आर्यन भैया की थी, एंड आर्यन भैया को मैं सीरियसली बता दूँगा काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, अपन से इतना काम नहीं होगा। और ये भी है कुछ सीन वगैरह, आर्यन भैया ये कौन सी स्क्रिप्ट है मेरे को बताइए जरा? कमाओ रे शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट है, और बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क पेंडिंग में पड़ा है। मैं हूँ राम हो चुका है भाई, भाई एक ओ मैं हूँ राम वो हो चुका है जी, ये मैं हूँ राम वो मेरे को ऐसे मेरे को चेक भी, आपने मेरे को लिया ही नहीं है यार मैं हूँ राम वगैरह में, उस टाइम अपन कांटेक्ट में थे करके। गाइस देखो यार अपन कांटेक्ट में थे पर फिर भी आर्यन बहन अपन को लिया ही नहीं यार। मैं उस फिल्म में हो सीरियसली? बिल्कुल। कब? तुम मेरे भाई हो जो देख मेरा, अरे यार गाइस आर्यन भाई ने काफी ज्यादा मस्का लगा दिया अपन को यार, अपन फिल्म में है ना, अपन को पता नहीं था ये जो अभी मैंने लास्ट अपलोड की थी। सो गाइस आप देख सकते हैं ये मैं हूँ राम जो शॉर्ट फिल्म थी मैंने लास्ट अपलोड की लास्ट मंथ में, तो ये उसकी स्क्रिप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जितने भी किरदार थे उन किरदारों के नाम है, बहुत मेहनत लगती है सर गाइस एक स्क्रिप्ट लिखने में, और भी बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स जो मेरे पास पड़े हैं, ये भाई भाई करके एक शॉर्ट फिल्म है,
तो हाल में आऊँ राजस्थानी शॉर्ट फिल्म है, साइको करके शॉर्ट फिल्म है। गाइस जो अभी गुबेस घर पे जा रहा है। ओके भाई गाइस अभी घर पे जा रहा है। ओए तू रूठा हुआ तो नहीं है? नहीं 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 किस बात। गाइस ये गुस्से में घर पे चला गया है, यानी ग्रीन वॉल भी लगा हुआ है यहाँ पे। अली भाई ग्रीन वॉल कब लगाया आपने? छह महीने तो हो गए होंगे। गाइस अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, अपन अपनी मेवी वाली साइड पे पहुंच चुके हैं। मेवी वाली साइड पे आज पानी वगैरह ऐसे दिया जा रहा है। क्या रहा है, बड़े भैया वगैरह सभी यहाँ पे ऐसे पानी दे रहे थे, अपन को पता नहीं था, पर थोड़ी बहुत अपन हेल्प कर ही सकते हैं इन लोगों की, थोड़ी बहुत हेल्प अपन कर ही देते हैं ना भाई। गाइस देखो यार यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल लगे हुए हैं साइड में, इनको पानी पिलाना तो कंपलसरी है गाइस। इतने प्यारे प्यारे से चुटकू चुटकू से फूल है यार, पानी नहीं पिलाएंगे तो क्या करेंगे। हम पानी पिला ही रहे हैं इसको। लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है यार, कैलाश बोला इस साइड से बड़े भैया का पता ही नहीं चल रहा किस साइड निकालना है इनको। ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, मत चलाओ आप। ओ भाई ये देखो यार, ये पीछे बैग ले रहा है, वो पाइप को बचाने की ट्राई कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना गाइस, मैं दिखाऊँ आपको, जब बैग लेते ना तो ये पाइप ऐसे मुड़ जाता है इस साइड से। ऑन करो वीडियो, ये पता नहीं ट्रैक्टर कैसे चला रहा है यार बड़े भैया, ये नागिन की तरह पाइप ऐसे जा रही है। परफेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है अपना ट्रैक्टर यार, ये देखो इधर पाइप से अभी पानी वानी आ रहा है, ये पानी आ गया। अपने पैर भी ऐसे वॉश करने पड़े यार, गंदे हो रखे हैं। बड़े भैया बहुत ही पुराने गाने सुन रहे हैं यार, वाओ आज पता नहीं क्या हो गया गाइस, इतने पुराने गाने सुने जा रहे हैं, वाओ पूछते हैं ना। गाइस वीडियो को अभी एंड कर रहे हैं यार, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर देना, एंड सपोर्ट तो आप कर ही रहे हो यार, कमेंट जरूर करना। गाइस वीडियो को एंड कर देते हैं। But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Away. I'm tired.